नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, आपको सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर सुजानगढ़ ओसवाल समाज के द्वारा होली महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानगढ़ का पूरा ओसवाल समाज एकत्रित है। कल 15 तारीख को कार्यक्रम का आगाज हुआ था, 16 तारीख को सुबह बंदोली निकाली गई थी, और अब यहाँ पर विराट सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान की स्वर कोकिला सीमा मिश्रा एंड पार्टी के द्वारा यहाँ पर शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे पार्लर पानी, बागल पानी, ये दो बड़ी चीजें तकलीफ देती है भाई। स्किन को सूट नहीं करता है, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मेंटेन करते हैं, कुछ को सन टैन हो जाता है, कुछ लोग हैं भाई कि नहीं नहाएंगे भी पार्लर पानी में, और किसी को कि बागल पानी ठीक तो है यार अब, लेकिन उसमें भी बारिश हो नहीं रही पार्लर पानी, अब कोई बाहर से आ रहा है तो भाई भी आ रहा है तो अब नहाएगा तो चलो भाई उसको तो नहलाना पड़ेगा, अब पीने का पानी सोचना पड़ेगा कि चलो उसको बॉइल करके ठंडा करते रहते। तो वैसे बहुत सारे जुगाड़ मैंने यहाँ पर भी देखे, और आज सुबह की बात है, मुझे एक मैसेज आया था, मैं आपको वो अभी पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं सस्पेंस बना के रख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है, बहुत ही खास इंसान ने मुझको भेजा है, और वो सुजानगढ़ के लिए। लेकिन उससे पहले अभी यहाँ पे मैं मनीष पगारिया जी को बुलाना चाहता हूँ, जो आचार्य श्री की स्तुति प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे सामने। मनीष पगारिया जी, आप सभी को सारा जय जय मंगल। सबसे पहले मैं अपनी जन्मभूमि इस सुजानगढ़ की धरा को प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं उस होली महोत्सव की पूरी टीम जिन्होंने 5 महीने पहले यह सपना संजोया और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि इस सुजानगढ़ की धरा में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कि कई उस सपने को साकार करने वाली इस होली महोत्सव टीम के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुदेव अभी कन्याकुमारी से होते हुए बैंगलोर की धरा पर पधारने वाले हैं, और मैं उनको स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज उनके गीत के साथ करना चाहता हूँ। उसके बाद हम सुनेंगे हमारे बीच में राजस्थान की स्वर कोकिला, जिनको लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की सीमा मिश्रा जी यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां सीमा जी के लिए बजा दें। उनके बाद महाश्रवण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान, गुरुवरम हो गुरुवरम, गुरुवरम हो गुरुवरम, तेरा पंथ प्रणेता जय जय हो, तेरा ये जलवा निखरता रहे, तुमको जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान, महाश्रवण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान, गुरुवरम Oh,
भी दिनों जग के स्वामी। सब लोग अपने हाथ ऊपर खड़े करेंगे और हवा में लहराते हुए शहंशाह भी शीश झुकाए, शांति दूत का कौन बजाए। राजस्थान की लता मंगेशकर के नाम से उनको हम लोग जानते हैं और वो आवाज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ी रीज़न है जो ये पूरी आवाम यहाँ इकट्ठा हुई है। तो प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए सीमा जी का। और सीमा जी आ रही हैं मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से, पर्स पकड़ लीजिए, ठीक है। अरे ये तो मानना पड़ेगा विराज कि अपने मतलब अपनी जो चीज़ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि मतलब सीमा मिश्रा जी ताली बजाइए भाई। एक चलती फिरती हस्ती हमारे सामने है, लेकिन एक बात का परहेज है, सुनो पर्स संभाल के रखना यार, ये परफॉर्मेंस अपनी जगह है। सीमा जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। एक और तो जब आप यहाँ नहीं होती या राजस्थान से बाहर की ट्रैप कर रही हो तो राजस्थान के बारे में एक चीज जो आप बहुत मिस करती है, जो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं दिखा, ऐसा क्या है? सबसे खास बात है कि राजस्थान के जो लोगों में अपनापन होता है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। जो सम्मान यहाँ पर दिया जाता है वो कहीं और नहीं मिलता, चाहे इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, अगर राजस्थानी है तो वो पूरा अपनापन देंगे कि ये हमारे राजस्थान से है। तो ये सबसे अच्छी बात है, शानदार। और इसी अपनेपन को इकट्ठा करके एक बार जोरदार तालियां राजस्थान के लिए, सुजानगढ़ के लिए, सीमा जी के लिए। सीमा जी स्टेज आपका और सारे, क्योंकि सारा समय बन चुका है, बाहर से देखिए पीछे देखिए आप कुर्सियां आ रही हैं और हमारे देश में वैसे भी रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है, कुछ को पसंद आता कुछ को नहीं, तो ये जो हमको रिजर्व करके रखा हुआ हम लोगों ने सीट की खाना खाने के लिए गए हैं, तो हो सकता है कि वो रिजर्वेशन मतलब पैतरा या ना चल पाए और उस पर कोई बैठ जाए, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो कृपया करके जितने भी लोग खाना खाने के बहाने गए हैं या किसी और बहाने, आपकी सीट अगर ना मिले तो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। और अगली परफॉर्मेंस हम लोग एक डांस ग्रुप का देखने वाले हैं।
सर, बस अभी खाने के टेबल में बात करिए, छह महीना डांस ग्रुप की तरफ वापस एक बार जोरदार ताली हो जाए। आई थिंक वहां पे काफी किया।
Bye.
किसी को वापिस से लगाओ, लेकिन चलाना तब जब मैं बोलूंगा। अरे क्या बात करे, मेरा ध्यान मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जितने भी लोगों का ध्यान स्टेज पे था, असली जान जो है यहाँ पे, अगर कहीं से रोशनी रोशनी हमारे लाइट वाले अगर घुमा सकते तो प्लीज यहाँ घुमाइए। कहना वो अभी म्यूजिक चल रहा दिमाग में, यार एक बार जोरदार ताली के लिए बजाइए। जितने भी लोग यहाँ पे इनको देख पा रहे थे उनका ध्यान स्टेज पे था ही नहीं, एक बार प्लीज वो वाला गाना फिर से बजाओ यार। और दादा जी कैसा लगा डांस करने के कर सकते हैं, इसलिए आज
आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो आप सोचते हैं वो कर सकते हैं। हमारे विचारों में सकारात्मकता हो, वाणी में मधुरता हो, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। युवा पीढ़ी बड़ों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आधुनिक सोच के साथ इस समाज को नई ऊंचाइयां दे सकती है। यह बात सुजानगढ़ के ओस वालों ने सिद्ध कर दी है। हमारी संस्कृति समृद्ध विरासत को सहेजते हुए आधुनिक विचारों को समाहित करते हुए आने वाली पीढ़ी को कैसा वातावरण दे, इसी प्रयास को क्रियान्वित करते हुए हमारी टीम होली ने इस आयोजन को करने का दृढ़ संकल्प लिया जो आपके सामने है। इस प्रयास में हमारी टीम से कोई भी गलती हुई हो तो हमारी टीम की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ तथा यही अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। पुनः एक बार यहाँ विराजित सभी आदरणीय को मेरा सादर नमन। ओम अरहम। फिर उनके कोई दोस्त थे, वो क्रिकेट खेलते थे, उनसे मुलाकात हुई तो उनसे जब पता चला तो बोले कि यार उसकी पर्सनैलिटी थी, क्या खेलता था, लेकिन खेल नहीं पाया, घर वालों ने मना कर दिया। अभी टिंडर का जमाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना है, लेकिन उस टाइम लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं जब पूरा घर आज सुजानगढ़ में नाप के है ना तो समझ में आप लोग की मजबूरी, मतलब चॉइस नहीं थी क्या लव मैरिज हम लोग नहीं, वो सब अपने बच्चों को तो बोलना पड़ता है। एक्चुअली आपके पास जगह नहीं थी, कहाँ जाते हैं, सारे छत्र जुड़े हुए पड़े हैं, किसी के भी घर में कोई भी कभी भी घुस जाता है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी अलार्म है, कैमरा है, अप्रूवल के लिए कॉल लगाना पड़ता है। देखिए सारे पीड़ित लोग हैं, सही बोल रहा है भाई, हम लोग बहुत बार कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। एनीवे स्वागत करने के लिए अभी यहाँ पे कुछ हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे बहुत खास अतिथिगण भी आए हैं जिनको मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ, जिनके नाम उसको यहाँ बताए गए हैं। अच्छा यहाँ पे जब मैं नाम बोलूँ तो प्लीज भाई साहब ताली हम लोग यहाँ पे रोकेंगे नहीं, बैक टू बैक यहाँ पे ताली बजाते रहेंगे। प्लीज जोरदार ताली से स्वागत करिए हमारे सुजानगढ़ के उप जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार स्वामी जी का, उनको स्वागत के साथ यहाँ पे ओसवाल होली महोत्सव का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहाँ पर खास अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी महोदय का यहाँ पर स्वागत सम्मान मंच पे किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक संध्या सजाई गई है आज ओसवाल समाज के द्वारा होली महोत्सव के अंतर्गत। भारी भीड़ आप देख रहे हैं, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ आज कार्यक्रम में। उपखंड अधिकारी महोदय का सम्मान मंच पे किया जा रहा है, पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है, साफा पहनाकर। ये होली की परंपरागत पद्धति है सम्मान करने की। बिजू जी कोठारी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी महोदय का सम्मान किया गया है। उपखंड अधिकारी महोदय का सम्मान किया गया है, सीआई साहब का सम्मान हो रहा है, सुजानगढ़ सीआई मुश्ताक खान जी का सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के द्वारा। ओसवाल होली महोत्सव के अंतर्गत आज रात्रि में सीमा मिश्रा नाइट के अंतर्गत खास अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थान के आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है। समाज के उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है जो प्रशासनिक क्षेत्र में समाज का गौरव बढ़ा चुके हैं। आप पूर्व आईपीएस हैं जिनका सम्मान हो रहा है। राजेंद्र जी जैन का सम्मान किया जा रहा है जो कि कलेक्टर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एक बार के लिए मैं पहन लेता हूँ, आई होप किसी लड़की की नहीं हो, ऑफिशियली नहीं है जानने को। आप कोई मत आना, ये अंगूठी मेरी। एनीवे सो अभी हम लोग यहाँ पे 1,25,000 और लोगों से जुड़ने वाले हैं, लेकिन वहां पे जुड़े उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी जब मैं इशारा करूं एक ही बात बोलेंगे एक सुर में, पधारो हमारे देश। क्या जोर से बोलेंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान से बाहर जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ दो ही बातें समझ में आती है, पहली खम्मा घड़ी, दूसरी ओ पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, उनका वही होता है। तो अब उनको वेलकम करते हैं। भाई सुजानगढ़ की जीडीपी को इम्प्रूव करने का जो जिम्मा हमने आज लिया है उसको हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है? आप लोग तैयार है, जब मैं इशारा करूंगा आप लोग क्या बोलोगे? जोर
जोर से, पीछे वालों की भी आवाज आनी चाहिए, खाना मिलेगा सबको मिलेगा। फिर से क्या बोलेंगे? बहुत शानदार, ठीक है। तो भाई देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक बात कहना चाहता हूँ कि कैसी भी हो काया, कैसा भी हो भेष, एक बार इस जीवन काल में, एक बार इस जीवन काल में, अब सुजानगढ़ की तरफ से एक बार जोरदार चिल्ला के तालियां बजाइए, बताइए सुजानगढ़ में कितना दम है। जब बात सुजानगढ़ की, भाई ऐसा कुछ हो रहा है, आपस में बात हुई तो पता चला कि भाई एक टीम है, मैं कहा कौन है, तो टीम के बारे में बताया नहीं गया कि भाई टीम का बेसिकली जो फंडा है कि नाम नहीं बताएंगे, हम लोग सुजानगढ़ी के लिए काम करना चाहते हैं और टीम पूरी सुजानगढ़ है। मैंने कहा ठीक है। तो इस सफर में बहुत सारे लोग आए, जुड़ते गए, कारवा बनता गया और उसी कारवा को एक, मतलब मुझे तो देखिए जितनी भी बातें मुझको पता है वो अपनी मैच्योरिटी से मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर की जो कोर बातें हैं उसको बताने के लिए, उसकी छोटी सी आइडिया को हमको दृश्य दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ श्री तरुण लोढ़ा जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री तरुण लोढ़ा जी के लिए। धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम। सुजानगढ़ की इस धरती पर आपका सादर अभिनंदन, स्वागत। आज इस जन्मभूमि पर जो मैं इस विशाल जन समूह को संबोधन के लिए, शायद पहली बार ये मौका मिला है जन्म से लेकर अभी तक, इसको धरती को प्रणाम करता हूं कि आज अपनों के साथ, कई भाषण कई जगह बोले हैं, अपनों के साथ, अपनों के बीच, अपने माता पिताओं के बीच, अपने बूढ़े बुजुर्गों के बीच में आज आया हूँ। हमारी टीम ने जो 5 महीने का जो सफर तय किया था, आज हमें एक मंजिल के पड़ाव इस समूह को देखते हुए मिल रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि जो हमने 5 महीने पहले जो सफर तय किया था आज यहाँ पर पहुंच गया है। वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कोशिशें जीत होती है। हमारी ये जिद थी कि हम सुजानगढ़ जरूर जाएंगे। हमारी टीम प्रकाश भाई जी बोकड़िया, जिनकी एक जिद थी, पवन प्रदीप भाई जी बोकड़िया, संजय भुतोड़िया, हेमंत खटेट, कीर्ति डूंगरवाल, पारस भाई जी डोसी और आदित्य, हमारा जो एक यंग गाय, हमारी एक जिद थी, हम सुजानगढ़ पहुंचे। इस 5 महीने के सफर में आपका जो हमारा उत्साह, आशीर्वाद, जो प्यार हमें दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से टीम होली, सुजानगढ़ टीम होली की तरफ से आपका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसा ही उत्साह हमारे आगे भी आप हमारे को देते रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऐसे मिलते रहे, हमारा उत्साह ऐसे बढ़ता रहे। जय सुजानगढ़। खूबसूरत डांस ग्रुप को प्लीज
पसंद आई हमको। ओके वापस से अब देखिए, जैसे जैसे शाम ढलती है, रात जैसे जैसे करीब आ रही है, शाम ढलती नहीं है, रात करीब आती है, और यहाँ पे एक बार उनको स्टेज पे वेलकम करते हैं हम लोग। अरे ऊपर आइए, एक्चुअली ये जोक सिर्फ यही बोल सकती है, बाकी लोग बोलेंगे तो बोलेंगे पेपर दिखाओ। चलिए कोई बात नहीं।